आज मैं आप लोगों को बताना रहा हूं थंबनेल एडिटिंग के बारे में। थंबनेल एडिटिंग किस स्टेप से की जाती है और थंबनेल एडिटिंग होती क्या है। थंबनेल एडिटिंग मतलब जो आप सबसे पहले थंबनेल बनाना सीखना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल चालू करना है तो आपको सबसे पहले यूट्यूब जब वीडियो अपलोड करोगे तो आपको थंबनेल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप थंबनेल बाहर से ऐड कर सकते हो और आपका अच्छा और सबसे बेस्ट और सबसे भारी आपको थंबनेल बनाना सीखना पड़ेगा। और सिखाऊंगा मैं आज आप लोगों को थंबनेल किस स्टेप से बनाया जाता है। थंबनेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिक्सलैम, जो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल है। और थंबनेल एडिटिंग फुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे थंबनेल एडिटिंग किस स्टेप से की जाती है। तो आप लोग आराम से इस वीडियो को पूरा देखो और आप लोग कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, इतना मुझे। सबसे पहले आपको जाके पिक्सल लैम्प पे क्लिक करना पड़ेगा। पिक्सल लैम्प पे हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से आपको डिस्प्ले देखने मिलेगा। बट आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिखाई देगा ऊपर कोने में राइट साइड में, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइज इमेज पे क्लिक करना है। बट आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख लेंगे फोर स्क्रीन, तो इससे कोई मतलब नहीं अपने को। आपको साइज थंबनेल एडिट करना है तो थंबनेल पे भेज ले जाएंगे, तो इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टम लिखा है कस्टम, तो इस पे से जाना है। यहाँ पे आपको यूट्यूब थंबनेल लिखा है तो इस पे क्लिक करके ओके क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो टैग है उसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं, इसकी हमको अभी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको अपने जो हम लोग को जो ऐड करना है मोमेंट्स इस पे ला सकते हैं ऐड करने के लिए, देख सकते हो आप लोग। तो हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मल ये सेकंड वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे कलरिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आप जाओगे ना फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ से आप लोग बहुत सारी फ़ोटो ऐड कर सकते हो। सिर्फ एक फ़ोटो कवर फ़ोटो लगाने के लिए, तो आप उस पर हम लोग को ऐड नहीं करना है, मैं आपको अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है, कलरिंग पर क्लिक करना है। कलरिंग पर क्लिक के बाद ये कलर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिखेगा, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैग्स, स्टिकर और बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मगर आपको लास्ट सेकंड लास्ट वाले पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के आपको समझ लो एक ये फ़ोटो मैंने ऐड करना है, एक ये फ़ोटो मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने कट करके रखा था फ़ोटो, इस फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर ऐसे ही आप यह प्लस के ऑप्शन पर जाके, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर जाके और फ़ोटो ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये फ़ोटो है बट ये हम ऐड कर सकते हैं इसको भी, बट मैंने इसको कट किया है, कट वाला ऐड करते हैं। यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। यहाँ पे जब समझ लो बाइक की फ़ोटो है, बाइक की फ़ोटो को आप कैसे ऐड कर सकते हो, ऊपर का टैक्स आप कैसे लिख सकते हो, बाइक की फ़ोटो समझ लो, सिर्फ मुझे बाइक की फ़ोटो की ज़रूरत है। तो इस पर हम लोग प्लस का ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाइक का फ़ोटो देख सकते हो, यहाँ पर आप छोटा मोटा लॉन्ग सब कर सकते हो। तो ये एक फ़ोटो हो गया, यहाँ से आप क्लिक करोगे और फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद आपको, और अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा तो साइड पे जाके फ़ोटोज़ पे क्लिक कर सकते हो। फ़ोटोज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग कट्स पे, मैंने बहुत सारे इमेज कट किए, जैसे ये लैपटॉप हो गया, ये फ़ोटो हो गए, ये भी हम लोग इधर पे ऐड कर सकते हैं, आप देख सकते हो। ऐड करने के बाद ये एक और हम लोग दो तीन ऐड कर लेते हैं, फिर आपको मैं इस पर ये टेक्स्ट को आप किस तरीके से मस्त बना सकते हो आप वो तो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर दो फ़ोटो और ऐड कर लेते हैं, जैसे ये मोबाइल के हो गए, मोबाइल की फ़ोटो को ऐड कर लिया। और आप लोग आराम से इस फ़ोटोज़ को ऐड करने के बाद यहाँ पे ही आपको प्लस पे क्लिक करना है, ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन देखा, यहाँ पे टेक्स्ट पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, मुझे लाइक करो, तो ये टैक्स हो गया। इसे आप कितना अच्छा बना सकते हो, यहाँ से आप क्लिक करो, यहाँ से आप लेफ़्ट साइड से इसको इस बिंदु पे रखोगे आप बड़ा कर सकते हो, यहाँ से आप और बड़ा कर सकते हो। तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है ए के ऑप्शन पे, ए के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे टैक्स साइज़ पे क्लिक करना है, आप कितना बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। एंड यहाँ पे पेंडिंग पे दिखाया है, तो आप यहाँ से ऊपर नीचे साइड नीचे ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी, तो मुझे नहीं करना है। और यहाँ पे कलर दिखाया है, तो आप कलर कौन सा, मैं येलो लेना चाहूँगा, आप कोई सा भी ले सकते हो और एक एक चाहे एक एक कलर भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको फ़ोन पे क्लिक करना है, आपको लैंग्वेज जो बोलते हैं ना, आपको किस तरीके से राइटिंग चाहिए राइटिंग चेंज कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहाँ से थर्ड ये वाली लूँगा, इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो, तो ये यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ये ऐड करने के बाद
मेरे को स्टाइल पे क्लिक करना है, यहाँ ये दोनों पे नहीं क्लिक करूँगा तो भी चलेगा, बट मैं इस पे क्लिक करना करूँगा तो ये थोड़ा मूवमेंट्स अच्छा और बेहतरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, यहाँ से आपको लेफ़्ट राइट जो आपको किधर रखना है अनेबल करके, जो आपको जिधर रखना है आप उधर कर सकते हो। यहाँ से आपको बहुत अच्छा पीछे का जो बैकग्राउंड होता है फुल ब्लैक हो के आप कलरिंग कर सकते हो। नीचे से जाके आपको किस टाइप का कलर चाहिए, आपको साइज़ कितना चाहिए, पतला चाहिए, आप आराम से ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो हमको थोड़ा सा पतला चाहिए तो इसको यस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसके बाजू में एक और साइड है, उस पर क्लिक करने के बाद आप कौन सा कलरिंग ले सकते हो उस पर, पीछे का बैकग्राउंड देखो आप चेंज हो रहा है, वो भी आप लोग आराम से ऐड कर सकते हो। और इसके बाद इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देखो शाइनिंग अच्छा और बेहतरीन बढ़ते जा रहा है, मूवमेंट्स एकदम ख़तरनाक हो रहे हैं। और यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद यहाँ पे 3D टैक्स लिखा है तो 3D पे क्लिक करके अनेबल करोगे तो पीछे का जो आप देख सकते हो यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। देखो पीछे का देख सकते हो, ऊपर नीचे आप देख सकते हो कितना बेहतरीन हो रहा है, मस्त हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से 3D कर सकते हो इसको भी, और बहुत मस्त है। इसके अंदर आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे भारी भारी ऐड कर सकते हो, बहुत बेहतरीन। आप अच्छे से अच्छा यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, यूट्यूब ब्रांड बना सकते हो इससे, और भी बहुत कुछ कर सकते हो। यूट्यूब थंबनेल आप इससे बोले ना बहुत बेहतरीन वाली यूट्यूब थंबनेल आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। बड़े बड़े शायरी इसके अंदर आप लिख सकते हो इस पिक्सल ऐप से, बहुत मस्त एडिट होता है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, यहाँ पे 3D रोटेट देखने मिलेगा। देखो मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा कर सकता हूँ, आप जिस टाइप से चाहो उस टाइप से एडिटिंग कर सकते हो, आप लोग चाहो देख सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, ऊपर नीचे साइड लेटर छोटा मोटा करना आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से अपने तरीके से आप लोग एडिटिंग कर सकते हो, कॉपी हो गया डिलीट हो गया आपको अगर। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे देखो सेव अस इमेज, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कुछ ऐड चलेगा नहीं, तो आप लोग का नेट चालू रहेगा तो ऐड चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, आप उसे आराम से ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे इतना ऐड हुआ था तो मैं गैलरी में दिखा देता हूँ आपको किस टाइप से ये बना होगा, ये इस टाइप से गैलरी में इमेज ऐड हो गई, आप देख सकते हो इमेज। तो इसी तरीके से आप थंबनेल बना सकते हो बहुत मस्त और बेहतरीन अच्छी तरीके से। तो एक एक थंबनेल किस टाइप से एडिट, में जितने भी थंबनेल बनाता हूँ अपने मैं इसी ऐप से क्रिएट करता हूँ। तो चलते हैं हमारे फुल स्क्रीन की तरफ। जो भी इस चैनल पर नए आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, और आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है मुझे, सपोर्ट करते रहो और हम बढ़ते रहेंगे, आप बढ़ाते रहो। ओके, इस चैनल पे आपको हर टाइप के वीडियो देखने मिलेंगे, हर टाइप का मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। बाय बाय। I'm not afraid of the dark.